नमस्ते फ्रेंड, मीरा कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हमारी रसोई में बनने जा रहा है पारसे फिश झाल। तो मैंने यहाँ पे पारसे फिश ले लिया है, वेट में 1.5 kg है और इसे बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है। देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है ये पारसे फिश। तो अभी हम फिश को मैरिनेट करेंगे। मैंने हल्दी डाल दिया है, अभी नमक भी डाल दिया है। सारी फिश में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिश में मैंने अच्छे से हल्दी नमक को मिक्स कर लिया है और अभी फिश को हम फ्राई करेंगे। तो इसको अच्छे से लाल लाल करके फ्राई करना है, तभी इसका टेस्ट आएगा। फिश में अच्छे से हल्दी नमक मिक्स हो गया है। अभी दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे और तेल भी रख दिया था गरम करने के लिए। तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है ताकि फिश नीचे चिपके नहीं। और सारी फिश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, एक एक करके डालेंगे। जितना तेल में आएगा उतना ही डालेंगे, बाकी बाद में फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी का जाल लिया है। प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एक साथ में ही बनाया है। आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। पेस्ट बन गया है, एक साइड में रख दिया है। अभी फिश भी एक तरफ अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे आराम से पलट देंगे। दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सारी फिश को अच्छे से पलट देंगे सावधानी के साथ में। ये सारी फिश एक एक के साथ चिपक गई है। फ्राई होने के बाद ये निकल जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिश फ्राई हो गई है, अभी हमने निकाल लिया है। सारी फिश मैंने फ्राई कर ली है, आप देख सकते हैं एकदम मैंने लाल लाल करके फ्राई किया है। तो फिश को साइड में रख देते हैं, अभी इसका ग्रेवी बनाते हैं। जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ था उसी में हमने काला जीरा डाल दिया है, 2 तेज़पत्ता और 3 हरी मिर्च। तीनों चीज़ों को अच्छे से 10 सेकंड के लिए भून लेते हैं। जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर का, उसे डाल देते हैं और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। सूखे मसाले हम बाद में ऐड करेंगे, पहले इसको ही भूनेंगे। तब तक अदरक लहसुन का कच्चा पानी निकल जाता जब तक इसे भूनेंगे, और टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। साथ में मैंने नमक भी डाल दिया है और अच्छे से इसे हाई फ्लेम पे भून लेते हैं। इसे 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल कर देख रहे हैं, अच्छे से भून गया है और अदरक लहसुन का कच्चापन भी हट गया, टमाटर भी अच्छे से कुक हो गए हैं। मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है। अभी साथ में मैं कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। सारे मसाले को मैंने डाल दिया है और अभी अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से और भून जाए। जो मिक्सी के जार में हमने मसाला पीसा था ना, थोड़ा सा पानी डाल के वही पानी मसाले में डाल देंगे और मसाले को दोबारा अच्छे से भून लेते हैं। सूखे मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। अभी हम इसे ढक देते हैं, 3-4 मिनट के लिए ढक देते हैं। 3-4 मिनट होने के बाद मैं ढक्कन खोलकर देख रही हूँ, मसाले ने बहुत अच्छे से तेल छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से कुक हो गया है मसाला। तो अभी हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल लेते हैं। पानी डाल दिया है ग्रेवी के हिसाब से और इसे 2-3 मिनट के लिए ढक दिया था ताकि अच्छे से उबाल आ जाए। ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबाल आ गई है। जो फ्राई किया हुआ फिश है उसे डाल देते हैं। सारी फिश को मैंने डाल दिया है ग्रेवी में, और ग्रेवी थोड़ा हम कम बनाएंगे ना, एकदम माखा माखा करके बनाएंगे। तो फिश को मैंने थेथा की मदद से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबा दिया है और 4-5 हरी मिर्च को डाल दिया है और इसे ढक दिया है 7-8 मिनट के लिए। 7-8 मिनट के लिए बाद देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अभी हमने गरम मसाला भी डाल दिया है, साथ में हरा धनिया ज़रूर से डालिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पारसे फिश में हरा धनिया डालना। तो ये कुक हो गया है अच्छे से, मैंने गैस भी बंद कर दिया है। अभी इसे 3-4 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पर छोड़ दिया था मैंने। 3-4 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है फिश में, और आप देख सकते हैं फ्रेंड, एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी और टेस्टी भी बनता है। मैं आपको एक पीस दिखा रही हूँ उठा करके थेथा में, ये देखिए। तो अभी हम इसे रख देते हैं। फ्रेंड, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।